So hello everyone, Jai Hind. I cadet Atharva Lande. I am academy prefect of Yashodhi Academy and I belongs to Hunter Battalion. So I am taking some previous year question of SPI. So let's start with our first question. So our first question is the difference between simple interest and compound interest on rupees 5000 for 1 year at rate 12% पर ईयर इज. तो अपने को निकालना है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है अपने पास, वो फॉर्मूला पहले लिख लेंगे. फॉर्मूला क्या है, पी आर टी अपॉन 100. तो इसमें गिवन क्या है, पी पी क्या होता है, पी क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर होता है रेट, टी होता है टाइम, टी होता है टाइम. तो पी गिवन है, तो गिवन है पी, पी गिवन है, पी दिया है 5000 रुपीज. देखो पी दिया है 5000 रुपीज, आर भी गिवन है 12%, और टी भी गिवन है 1. तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, आसान तो है क्वेश्चन. इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100, इस दो जीरो ने दो जीरो को मार दिया तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा अपना 600 बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद. तो निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला लगता है, पी आर टी अपॉन 100. तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट है गिवन लिखना, तुमको बोला गिवन लिखने का है. तो P क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है, जो अपना गिवन अमाउंट है उसमें ये ऐड करो सिंपल इंटरेस्ट, हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का. तो ये यूज करेंगे 5600, रेट तो वही रहता है 12 और टाइम तो 1 है. तो इससे क्या जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 672. डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 672 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 600, तो आ जाएगा 72. देखो कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी 72. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट अमंग द गिवन अल्टरनेटिव, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है. इसमें तो क्यूब दिख रहे हैं सभी, तो पहले क्यूब लिख लेते हैं. तो 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125. इतने अपने को जरूरी है. तो देखो तुमको बताता हूँ, रूट 7 होता है 1.7, अगर याद नहीं होगा तो ये याद कर लो, एसपीआई में काम आएगा जरूर. और देखो रूट 12, क्यूब रूट ऑफ 12 इन दोनों के बीच में लाया करेगा, मतलब 2 और 3 के बीच में लाया करेगा. तो रूट क्यूब रूट ऑफ 100, तो क्यूब रूट ऑफ 100 इन दोनों के बीच में लाया करेगा, मतलब 4 और 5 के बीच में लाया करेगा. तो तुमको एक पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में लाया कर रहा, मतलब इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग पकड़ लो, और इसका वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग. तो 4 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, और ये अपना दिया है 1.7, इसमें से बड़ा तो कौन सा होगा ये, तो ऑप्शन हो जाएगा सी. देखो ऑप्शन सी. तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो इतना बड़ा है कि देख के घबरा जाए, लेकिन घबराने का नहीं, तुमको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. आसान तो क्वेश्चन है, उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में से, इन तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला फॉर 2 ईयर तो ये आ जाएगा 9261, और फॉर 3 ईयर निकाला, फॉर 3 ईयर तो आ जाएगा 9724.05. तो अपने निकालते हैं, अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं. सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला है अपने पास पी आर टी अपॉन 100. तो देखो इसमें ऑप्शन लेते कौन सा भी, देखो बी लेते चलो. तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 8400
इंटू फाइव इंटू वन अपॉन हंड्रेड, बेसिक कैलकुलेशन है। देखो ये क्या आता है, 84 इंटू फाइव 420, ये क्या आ गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट अपना ये आया है तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, 8400 प्लस 420 हो जाएगा 02448 8, तो ये हो जाएगा 8820। तो फॉर्मूला अपने को यही यूज करना पड़ेगा उसके लिए भी, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी। तो पी तो ये हो गया, आर तो है फाइव, टाइम तो गिवन है अपॉन हंड्रेड। तो ये देखो बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद 4 4 1, तो ये अपना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट पहुंचा है, तो अमाउंट क्या बन जाएगा, ये जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें अगर ये इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो जो आंसर आएगा वो अपना बन जाएगा अमाउंट। तो इससे आंसर क्या आता है, यही क्या हुआ आंसर यही। चलो देखते हैं ऑप्शन क्या है, बी, बी तो सही है अपना। तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फाइव क्वेश्चंस फाइंड आउट ऑड नंबर्स और ऑड सेट। इसमें से चार ऑप्शन है, कौन सा एक तो ग्रुप में से नहीं होगा, तीन चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा तो ग्रुप में नहीं बैठेगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अपने पास बहुत सारी ट्रिक है, तुम एडिशन का एडिशन भी लगा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, स्क्वायर लगा सकते हो, प्राइम नंबर का लगा सकते हो, कौन सा भी लगा सकते हो। तो इसमें देखो स्क्वायर का लगाते, ये तो 7 का स्क्वायर है, ये तो 11 का स्क्वायर बन जाएगा, ये तो 32 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो सही है क्या, ऑप्शन डी सही है। तो देखते जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है, इधर सिर्फ दो नंबर दिए, दो नंबर दिए मतलब इन दोनों में कुछ तो रिलेशन होगा, तो रिलेशन क्या है वो फाइंड आउट करने का। तो देखो 3 और 27, तुमको पता है 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, तो इसमें हम वो यूज कर सकते हैं, 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब हमने पिछले इस क्वेश्चन में देखा 125 होता है, और 8 का भी क्यूब 512 होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। देखो वही है क्या, ऑप्शन सी। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको बोला था मैं प्राइम नंबर यूज कर सकते हैं, स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, तो इसमें देखो 29 भी प्राइम नंबर है, 89 भी प्राइम नंबर है, 97, तुमको 97 के बारे में बताता हूँ, 9200 में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, कौन सा 97, तो ये भी प्राइम नंबर है, 102 तो ये वन नंबर है, तो ये तो नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी। चलो राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनके और इनके बीच में कुछ तो रिलेशन है, तो रिलेशन फाइंड आउट करने का है, तुमको बोला था एडिशन करो मल्टीप्लिकेशन करो, तो इसमें लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। पहला ऑप्शन का देखो मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसी से ये कुछ बनता है क्या इससे रिलेटेड देखते हैं। तो देखो चलो करते हैं, पहला ऑप्शन 3 × 6 × 7 18 × 7 6 5 7 1 2 6, तो नंबर हो जाएगी 1 2 6, इससे तो ये नंबर बन रहा है, इसको अगर रीअरेंज किया तो ये नंबर बन रहा है, ये आपने देख लिया, क्लिक हो गया अपने को। वही सेकंड ऑप्शन के साथ देख लेते हैं, 6 × 2 × 11, तो इसका आंसर आता है 132, इससे अरेंज होकर ये नंबर बन रहा है, मतलब ये दोनों एक कैटेगरी के थे। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन के लिए 56 × 12 2 7, ये आ गया, इससे बन के ये नंबर बनना चाहिए था, मतलब ये नंबर तो नहीं बन रहा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो इसके साथ लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, इन द फॉलोइंग फाइव क्वेश्चंस
तो देखो एक क्वेश्चन है, तुमको बोला था प्राइम नंबर यूज करो, एडिशन यूज करो, मल्टीप्लिकेशन यूज करो। इसमें एडिशन का यूज कर सकते हैं, एडिशन का यूज करेंगे। तो देखो इसका एडिशन कहता है 19, इसका आता है 17, इसका भी 19 आता है और इसका भी 19 आता है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? बी। देखो बी ऑप्शन है। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, इसके साथ हम यहीं पे रुकते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। चलो थैंक यू एंड जय हिंद।